कर रहे हैं कि हलवा खाना है। अब बात ऐसी है, सुबह हो रहा है, 11:30 बज रहे हैं, लेकिन अब क्या करें, हलवा बनाना पड़ेगा। तैयारी कर रहा हूँ, मैं किचन में आ गया हूँ। ये तो लौटने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सबसे पहले, तो उसके बाद डालते हैं यहाँ पहले, जो भी रेसिपी भी याद नहीं आ रही, याद करता हूँ। हसन आपको जरूर देता, अभी सुबह कर लेते हैं यार। फिर नहीं अच्छा, अभी जरूरी है आपके लिए, सोना है भाई, हलवा खाएगा तो नींद आएगी, सोना नींद नहीं आएगी। मैं फिर आपको याद करके दोबारा मिलता हूँ। A few moments later, भाई ये हम लोगों ने घी डाल दिया। अच्छा, इसके सारे काम होते हैं फार्मूले के, ठीक है। फार्मूले के तहत चलेंगे तो ऐसा बनेगा बाजार वाला। सबसे पहले मैंने एक कप घी डाल दिया। अब घी थोड़ा गर्म हो जाए उसके बाद मैं आपको बता दूंगा इसके बाद हम क्या डालेंगे, ठीक है। ये तो एक कप घी हो गया, घी एक कप है, एक कप सूजी ही होगी। फिर हम डालेंगे चीनी, चीनी बाजार वाला एक कप डालते हैं। मैं थोड़ा सा लाइट करूंगा, मीठा बहुत ज्यादा हो जाता है, रात का वक्त है, फिर आपको बताना। दो डाल दूंगा तो काफी है, फिर बताता जाता हूँ पानी कितना डालेगा, वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। अच्छा, मैंने आपको बताया था ना कि एक कप घी, तो उसी के बराबर की एक कप सूजी डाल दी है। 5 मिनट के लिए मैं इसको भूनूंगा। 5 मिनट भूनने के बाद थोड़ी इसकी खुशबू आना शुरू हो जाएगी, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। आओ मेरे पास, चलो खेलो मेरे साथ। आ रही है ना? अरे अब आपने फरमाइश की है, इस वक्त मुझे दिखा के बोला पापा सूजी बनाओ। कोई बात नहीं यार, बनाएंगे आपके लिए। खुशबू आ रही है, वैसे वाकई खुशबू आना शुरू हो गई है, और मेरा मुझे लगता है कि देखो हल्की हल्की ब्राउन हो रही है। सुबह वही क्या बोल रहे हो, छुट्टी उट्टी नहीं है? नहीं नहीं, नहीं क्या हलवा खाएगा अभी रात में, तो क्या सुबह छुट्टी करनी है इस पर? अच्छा तो बात सुनो भाई, ये हो गई थोड़ी सी लाइट ब्राउन सी, ठीक है, इसे कलर चेक करो, लाइट ब्राउन। अब इस जगह पे मैं इसमें डालूंगा चीनी। आज मैं पापा की हेल्प कर रहा हूँ हलवा बनाने के लिए। पूरा डालो जल्दी से। पापा कुछ लेना चाहेंगे? मैंने आपको पहले कहा था कि दो हम डालेंगे, तीन नहीं डालेंगे। तो चलते तो तीन है, पर हमने दो का डाला क्योंकि मीठा थोड़ा कम खाने का दिल कर रहा है ना। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने आपसे इसके अंदर ना पानी भी डालना है, तो पानी मैं आपको डाल के बता रहा हूँ ना। अच्छा, तीन सेम इसी कप के हिसाब से हमने सारे मेजरमेंट किए, तो इसलिए यही कप तीन डालेंगे पानी के इसके अंदर, ये तीसरा है, क्लियर है। अब क्या करेंगे, हम थोड़ी सी इसकी फ्लेम बढ़ाएंगे, थोड़ी सी आग बढ़ाने के बाद थोड़ी देर के तक इसको चलाएंगे, उसके बाद इसमें डालेंगे फूड कलर। कलर तो आपको पता है यहाँ सूजी का तो होता ही थोड़ा सा पिंक ऑरेंज टाइप का होता है, तो मैं कलर डाल के आपको दिखाता हूँ। मैं सबसे आगे, क्यों सारे मुझे देख के कहते मैं शैतानी में, मैं सबसे आगे, क्यों सारे मुझे देख के कहते। छोटा सा बच्चा पकान करू बड़े, कितने सारे लोग मुझे डांटने को खड़े। मैं दिन भर भाई साहब, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा। जब अपना इस जगह पर आकर इसमें थोड़ी सी इलायची ऐड कर देंगे, आपको पता है थोड़ी सी इलायची से टेस्ट थोड़ा सा ना खुशबू टाइप का आ जाता है। और इसमें भी तो एक और चीज भी तो ऐड होती है, क्या चीज है वो? केला। तो वो हसन से मंगवाए। एक बात बताऊँ आपको, मेरे पापा बहुत अच्छे हैं, जो फरमाइश करता हूँ ना वो ना रात के 11 बजे ना बना कर देते हैं आपको। पापा ये क्या लेकर आ गया? ओ भाई ये स्पेशल है। अच्छा, इसको मैंने ना डालना है, कितना? दो डेढ़ शरबत डाल रहे हो? नहीं नहीं, ये केवड़ा है। ये पानी है। क्या है सर? पानी। थोड़ा सा। कितना ऐड किया आपने?
डेढ़ से दो ढक्कन डाल दिया थोड़ा सा पियर्स को। अबे साले मजा आ रहा है, बस हवा निकल गई। गाइस आप चेक करो हलवा, ये देखो माशाल्लाह आप करीब करीब आ गया, रेडी होने वाला है। हसन तो लो ये लंच बॉक्स में भी लेके जाने की तैयारी है इसकी। स्कूल भी लेके जाऊंगा यार सर। क्या बोलोगे टीचर को, किसने बनाया? मम्मा। लो भाई मम्मा। शाबाश बेटा। बस मैं लेटा हुआ था और अभी 12 बज रहे रात के और मुझे ना अभी खुशबू आ रही थी बहुत तेज, तो अभी यहाँ पे अजान भी नहीं है, पापा भी नहीं, देखते क्या हो रहा है बाहर। वाह पप्पा ये क्या बना रहे हो? सान ये तो बन रहा है आसान के कहने पे, आसान है पप्पा सूजी का हलवा बनाओगे तो मैं खाऊंगा और फिर मुझे नींद आएगी, वरना ऐसे में नहीं सोना होता। खुशबू आई ना आपको अंदर से बहुत तेज। अच्छा चेक करो, ये देखो चेक करो, माशाल्लाह अन करीब बिल्कुल रेडी हो गए। ये देखो भाई इस तरह की ना एक्टिविटीज बच्चों के साथ हम लोग करते रहते हैं अक्सर, ना ये मना भी नहीं कर पाऊंगा इनको, क्योंकि यार मुझे बहुत अधिक। अच्छा घी ऐसी चली गई बिल्कुल स्लो गैस हो गई है और इस गैस को तो पकना पॉसिबल नहीं है, मगर अल्लाह का लाख लाख शुक्र है हमारा हलवा बिल्कुल 99% तो पक गया था, 1% रह गया था और उसका अगर नहीं भी होता तो कोई मसला नहीं है। चलो कोई बात नहीं भाई, भारत ये तो होना था, गैस लोड शेडिंग पानी सारे मसले हमारे साथ ही है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। हसन आपका रेडी हो गया हलवा, टेंशन नहीं लो। हसन आपके लिए रेडी हो गया। ठीक है सर। लाइक करें, शेयर करें और ऐसी वीडियो हमारी।